बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है दैट इज जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इससे, और तकरीबन हर साल ही जो है वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की दो तीन थेरीज हैं वो भी आ जाती हैं, लेकिन वैसे जो है वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, इसके कॉजेज, इसके इफेक्ट्स जो हैं, वो जुवेनाइल जो जस्टिस सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, डेलिंक्वेंसी या ऑफेंडर या ऑफेंडिंग, वो एक ही मतलब है कि क्राइम करना। जुवेनाइल क्या होता है? जुवेनाइल का मतलब ये होता है कि जो बच्चा जिसकी एज 10 to 17 ईयर्स हो, 17 साल या 17 से कम साल, ठीक है, 10 से 17 साल की उम्र तक जो बच्चे होते हैं उनको जुवेनाइल कहा जाता है। ठीक है, तो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या चीज है? इट इज द पार्टिसिपेशन बाय अ माइनर चाइल्ड यूजुअली बिटवीन द एजेस ऑफ 10 and 17 इन इलीगल बिहेवियर। कि जब कोई चाइल्ड जिसकी एज 10 to 17 ईयर्स हो, ठीक है, जब वो किसी इलीगल बिहेवियर के अंदर या किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो, जब वो क्राइम करे, तो उसको जो है वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, या जो बिहेवियरल डेफिनेशंस हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की, वो आप लोगों के सामने लिखी हुई है। फ्रीक्वेंट डिसअप्रूव बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, के यूथ का और चिल्ड्रन का, और बल्कि इसमें यूथ भी नहीं आता, 10 to 17 इयर्स तक जितने भी बच्चे होते हैं उनको जुवेनाइल कहा जाता है। ठीक है, तो उनका जो वो बिहेवियर जो के सोसाइटी डिसअप्रूव करे, जो के लॉ जो है वो डिसअप्रूव करे, उसको क्रिमिनल बिहेवियर या उसको जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कहा जाता है। तो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की डेफिनेशन आप सब लोग देख लें। कंडक्ट बाय अ जुवेनाइल कैरेक्टराइज्ड बाय एंटी सोशल बिहेवियर दैट इज बियॉन्ड पेरेंटल कंट्रोल। के एक जुवेनाइल है जिसका जो बिहेवियर है वो एंटी सोशल समझा जाता है। ठीक है, सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट, सोसाइटी की वैल्यूज के अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट जाके जब वो कोई अपना बिहेवियर शो करता है जिसके ऊपर पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं होता, पेरेंट के कंट्रोल से बढ़ के जो है वो, मतलब इसके बियॉन्ड उसका बिहेवियर चला जाता है, उसको जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एलोपमेंट, एलोपमेंट का मतलब होता है फरार हो जाना। ठीक है, मतलब छुप के जो है वो निकल जाना। ठीक है, किसी के साथ भाग जाना। उसके बाद एब्सेंटीज्म, एब्सेंटीज्म सिर्फ एब्सेंट नहीं, कंसिस्टेंट एब्सेंटी। ठीक है, कंटिन्यूस जो बंदा एब्सेंट होता है, जो गायब होता है कंटिन्यूसली, ठीक है, उसको एब्सेंटीज्म कहा जाता है। लेथर्जी है, ठीक है, बंदा जो बिल्कुल जो सुस्त एक्ट्स जितने भी होते हैं, बंदा सुस्ती का शिकार हो जाता है। इल मैनर्ड है, मैनर आपके सही नहीं है, सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता है, थेफ्ट के अंदर या स्टीलिंग के अंदर जो बच्चा इन्वॉल्व होता है जिसकी एज 10 to 17 ईयर्स हो, उसको जुवेनाइल डेलिंक्वेंट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा हम इसकी जरा लीगल डेफिनेशन देखते हैं। बिहेवियर दैट वायलेट्स द क्रिमिनल कोड एंड इज कमिटेड बाय अ यूथ हु हैज नॉट रीच्ड द स्पेसिफिक एडल्ट एज। एडल्ट एज कौन सी होती है? 18 इयर्स। ठीक है, तो 18 साल से पहले पहले जो बच्चा, जो 18 साल से कम जिसकी उम्र होती है, अगर वो क्रिमिनल कोड ऑफ कंडक्ट को, क्रिमिनल कोड को उसका बिहेवियर वायोलेट करता है, तो उसको जुवेनाइल डेलिंक्वेंट कहा जाता है या उसको जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन है जो लीगल डेफिनेशन देख ले, अ वायोलेशन ऑफ द लॉ कमिटेड बाय अ जुवेनाइल दैट वुड हैव बीन अ क्राइम इफ कमिटेड बाय एन एडल्ट। ठीक है, अच्छा एक और आप लोगों को बात बताता चलूं कि जब कोई क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म करेगा कोई जुवेनाइल जिसकी 18 ईयर से कम एज होगी, तो वो क्राइम नहीं तसव्वुर किया जाएगा, उसको आप क्राइम नहीं कहेंगे। ठीक है, वो सिर्फ उसको आप एक्ट कह देंगे, इज एक्ट वायोलेट्स द लॉ। ठीक है, लेकिन क्राइम अगर फॉर एग्जाम्पल दो बंदे हैं, ठीक है, एक बच्चा है उसकी उम्र जो है वो 12 से 13 साल है, एक जो है वो उसकी उम्र जो है वो 23 से 24 साल है,
दोनों एक ही एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं थेफ्ट का, ठीक है, फर्क या उसको स्टीलिंग जो चोरी कर रहे हैं वो, तो दोनों एक ही एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जुवेनाइल है उसके इस एक्ट को क्राइम नहीं कहा जाएगा, और जो एडल्ट है, ठीक है, जो 20 की एज में, 23, 24 या जो 18 से ऊपर है, उसके इस कंडक्ट को क्राइम कहा जाएगा। तो आप देखें, अ वायोलेशन ऑफ द लॉ कमिटेड बाय अ जुवेनाइल दैट वुड हैव बीन अ क्राइम इफ कमिटेड बाय एडल्ट, कि अगर एडल्ट वही काम करता है तो वो क्राइम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा जो है वो 17 साल से कम उम्र का बच्चा जो सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता है तो उसको क्राइम नहीं तसव्वुर किया जाएगा, अगर वो थेफ्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है तो उसको क्राइम नहीं तसव्वुर किया जाएगा, अगर वो स्टीलिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है तो उसको थेफ्ट नहीं कंसिडर क्राइम नहीं कंसिडर किया जाएगा। और अगर यही काम सेक्सुअल एक्टिविटीज थेफ्ट है, ठीक है, कोई इल मैनर्ड बिहेवियर है उसका, ठीक है, या कंसिस्टेंट जो इम्प्लाई है वो अपनी एब्सेंटीज्म शो करता है, स्टीलिंग का जो बिहेवियर है, तो जो उसका जो लॉ को वायलेट करेगा वो अगर कोई एडल्ट परफॉर्म करेगा तो उसको क्राइम कहा जाएगा, अगर कोई जुवेनाइल परफॉर्म करेगा तो उसको क्राइम नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स। जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स कौन होते हैं? वही के जो बच्चे 10 से 17 साल की उम्र के होते हैं और वो क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म करते हैं, उनको जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स कहा जाता है, और इस पूरे की जो उनकी एक्टिविटी है उसको जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी या जुवेनाइल जो है वो ऑफेंडिंग कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं, जुवेनाइल ऑफेंडिंग में कह रहा हूँ, ऑफेंडर कौन होता है जो कि क्राइम कमिट करता है? ऑफेंडर दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है रिपीट ऑफेंडर, एक होता है एज स्पेसिफिक ऑफेंडर, ठीक है स्टूडेंट्स। दो तरह के ऑफेंडर होते हैं, एक होता है रिपीट ऑफेंडर, एक होता है एज स्पेसिफिक ऑफेंडर। रिपीट ऑफेंडर कौन होता है कि जो उसका उसकी लाइफ का एक कोर्स बन जाता है कि वो उसने जो है वो क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब कि जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं उनको लाइफ कोर्स परसिस्टेंट ऑफेंडर्स भी कहा जाता है, कि जो रिपीट ऑफेंडर होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इंगेज होते जाते हैं, ठीक है, इवन जब वो एडल्टहुड से भी जब बाहर निकलते हैं तो वो कंटिन्यूअसली क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर या क्राइम कमिट करने के अंदर अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये होते हैं रिपीट ऑफेंडर्स जो बार बार क्राइम कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं एज स्पेसिफिक ऑफेंडर। एज स्पेसिफिक ऑफेंडर वो होते हैं कि जो अपनी एडल्टहुड से जब बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये होता है एज स्पेसिफिक ऑफेंडर। ये रिपीट ऑफेंडर के बिल्कुल 100% ऑपोजिट है। रिपीट ऑफेंडर वो होता है कि जब वो अपनी एडल्ट एज से निकलते हैं तो फिर भी जो है वो इसको कंटिन्यू कर रखते हैं, लेकिन जो एज स्पेसिफिक होते हैं वो एक स्पेसिफिक एज के ऊपर जाके क्राइम करते हैं, ठीक है, और जब वो अपनी एडल्टहुड से जब बाहर निकलते हैं तो वो इस अपने के सारे बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। तो ये दो टाइप्स हैं जनाब ऑफेंडर्स की, एक होता है रिपीट ऑफेंडर, ठीक है, और एक होता है एज स्पेसिफिक ऑफेंडर्स। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि चाइल्ड डेलिंक्वेंसी के कॉजेज क्या क्या, इसके अंदर डिफरेंट रीजंस आ जाते हैं, कुछ इंडिविजुअलिस्टिक रीजंस हैं, कुछ फैमिली रीजंस आ जाते हैं, ठीक है, कुछ सोशल रीजंस आ जाते हैं, ठीक है, फैमिली का जो बिहेवियर है वो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, कुछ इंडिविजुअल का जो अपना बिहेवियर, इंडिविजुअल के अपने वजूहत बहुत ज्यादा होते हैं, सोशल रीजन, सोसाइटी के बहुत ज्यादा रीजन होते हैं, और कुछ आपके मुल्क के अंदर जो है ऐसे हालात चल रहे होते हैं जो कि इस जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के अंदर अपना एक अहम रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं जनाब इंडिविजुअलिस्टिक रीजंस। कोई एक बंदा है, फॉर एग्जांपल उसका इंडिविजुअल है कि वो फिजिकली डिसऑर्डर का शिकार होता है, फिजिकल डिफेक्ट्स उसके अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बंदा है उसका दिमाग नहीं काम कर रहा होता, ठीक है, या एक बच्चा है जो जिसकी जो परवरिश है वो एबनॉर्मल हुई है, ठीक है, या जो उसकी ग्रोथ है वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मल हो रही है, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, उसकी इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज्यादा ही लो है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने
सोशल बिहेवियर को दुरुस्त करता है, ठीक है, तो जो उसकी इंटेलिजेंस है, सबसे पहला तो ये कि फिजिकल डिफेक्ट्स उसके अंदर आ जाते हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है लो इंटेलिजेंस। लो इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि वो एंटी सोशल बिहेवियर की तरफ जो है उसका रुझान होता है, ठीक है, मतलब उसका जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है कि वो अच्छे और बुरे के अंदर फर्क कर सके। उसके बाद माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, ये आप सब लोगों को पता है कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है। उसके बाद एबनॉर्मल फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट है के वो माशरे के अंदर जो है वो प्रॉपरली टाइम के ऊपर एडजस्ट नहीं कर पाता, ठीक है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती है उसके साथ, तो उसका जो डेवलपमेंट है, जो उसकी ग्रोथ है वो एबनॉर्मल होती है, नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं होती, ठीक है, मतलब उससे जो है वो कम जो होती है इसकी डेवलपमेंट होती है। तो ये कुछ इंडिविजुअलिस्टिक रीजन है जो कि इसको डेलिंक्वेंट बना देते हैं, जो कि इसको क्रिमिनल एक्ट करने पे मजबूर करते हैं। उसके बाद दूसरे पे आ जाता है जनाब फैमिली रीजंस। सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजंस हैं वो फैमिली रीजंस हैं, कि फैमिली रीजंस जो है वो अपना तकरीबन 70-80% जो रीजंस हैं वो फैमिली रीजंस आते हैं, कि 70-80% जो कॉजेज हैं वो फैमिली रीजंस हैं, कि बच्चा जो है वो फैमिली की वजह से डेलिंक्वेंट बन जाता है, ठीक है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट बन जाता है। सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ स्टेप फादर और मदर, ये आप सब लोगों को पता है कि स्टेप फादर हो या स्टेप मदर हो तो वो प्रॉपरली जो है, बल्कि प्रॉपरली भी क्या, वो तो तकरीबन 50-60% भी जो है वो बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते, ठीक है, अगर उनका अपना बच्चा ना हो तो। स्टेप फादर या स्टेप मदर की अगर प्रेजेंस हो तो उनका बिहेवियर ऐसा होता है बच्चे के साथ जो के इसको क्राइम करने के ऊपर या क्रिमिनल एक्ट करने के ऊपर जो है वो मजबूर करता है। उसके बाद है लैक ऑफ पेरेंटल लव एंड अफेक्शन। कुछ माँ बाप होते हैं जो के फॉर एग्जाम्पल काफी ज्यादा केसेस हैं कि अगर किसी के घर जो है वो लड़की पैदा हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाप का जो रवैया है वो उसके साथ कुछ इस तरह का हो जाता है, ठीक है, उसकी माँ के साथ भी और जो है वो अपनी बेटी के साथ भी उसका रवैया कुछ इस तरह हो जाता है कि बेटा क्यों नहीं पैदा हुआ। तो इस तरह के काफी सारे केसेस जो है वो ये आ जाते हैं, या माँ बाप की आपस में इतनी ज्यादा लड़ाई होती है कि उनका बच्चे के ऊपर कोई ध्यान जाता ही नहीं है, ठीक है, वो नीचे आ जाएगा क्वरल्स अमंग पेरेंट्स, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स की लव, पेरेंट्स का अफेक्शन जो है वो ना बच्चे को मिले तो बच्चा जो है वो उसकी, एक तो उसकी जो मेंटल ग्रोथ है वो एबनॉर्मल का शिकार हो जाती है, ठीक है, एबनॉर्मल हो जाती है, और दूसरा जो है वो उसको क्रिमिनल एक्ट करने के ऊपर मजबूर कर दिया। क्रिमिनल एक्ट क्या करेगा कि फॉर एग्जाम्पल वो बच्चा घर से भाग जाएगा, या जो है वो मतलब उसके दिल के अंदर नफरत भर जाएगी, वो दूसरे बच्चों को मारना शुरू कर देगा, तो इस तरह की काफी ज्यादा चीजें आ जाती हैं। उसके बाद तीसरा है जनाब क्वरल्स अमंग पेरेंट्स। वालदैन आपस में लड़ते हैं, तो जब वालदैन आपस में लड़ेंगे तो बच्चा जिस माहौल को देखता जाएगा उसी माहौल के अंदर बच्चा भी आता जाएगा, ठीक है, जब वो देखेगा कि माँ बाप लड़ रहे हैं बच्चा भी लड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है यूज ऑफ अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स बाय द पेरेंट्स। आपको पता है कि यूज ऑफ अल्कोहल और अदर ड्रग्स जो है वो क्राइम के अंदर आते हैं, ठीक है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो जब वो बच्चा अपने माँ बाप को देखेगा इतनी छोटी सी उम्र में, जब उसकी मेंटल डेवलपमेंट ही ऐसे होगी कि वो मेरा बाप जो है अल्कोहल यूज करता है या मेरी माँ जो है वो ड्रग्स का यूज करती है, ठीक है, तो वो बच्चा भी फिर इन एक्टिविटीज की तरफ आता है, ठीक है। उसके बाद हाई एम्बिशंस ऑफ पेरेंट्स विच दे वांट टू रियलाइज थ्रू द अचीवमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल चले हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ लिख जाए, बड़ा आदमी बने, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने आप को ऊंचे मुकाम पे पहुंचाने के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये जो हाई एम्बिशंस होती है ना पेरेंट्स की, वो बच्चों के जरिए जो है वो अपनी पूरी करते हैं, तो इसका बच्चे के ऊपर जो है वो बहुत बुरा असर पड़ता है और बच्चा जो है वो फिर डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज के करने में जो है वो दिलचस्पी लेने लगता है। उसके बाद लूज और वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एट होम, दोनों, या तो बहुत सख्त डिसिप्लिन हो या तो बहुत ज्यादा लूज डिसिप्लिन हो, तो दोनों की वजह से जो है वो बच्चा खराब होता है, ठीक है।
एक तो है कि घर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, कोई भी बच्चा छोटी सी भी हरकत करता है माँ उसको मार जाती है, बाप उसको मार जाता है, ठीक है, उनको आंखें दिखाते हैं, मतलब बिल्कुल कोई लेने एनसी शो ही नहीं करते, तो बच्चा तो जाहिर सी बात है पागल हो नहीं है, ठीक है, बच्चा फिर क्रिमिनल एक्ट की तरफ, बच्चा फिर दूसरों को मारेगा। उसके बाद या फिर लूज डिसिप्लिन है, कि जब माँ बाप घर में डिसिप्लिन ही बहुत ज्यादा लूज रखेंगे, जब पूछ गछ ही नहीं होगी घर में, तो फिर भी जो है वो बच्चे के बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। उसके बाद ब्रोकन होम, डिवोर्स है, सेपरेशन है, या एनी वन ऑफ द पेरेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो फिर भी बच्चे के ऊपर प्रॉपरली जो है वो फोकस नहीं किया जाता पेरेंट्स की तरफ से। मदर बीइंग इन सर्विस, नो कंट्रोल ओवर द चिल्ड्रन, ठीक है, मदर जो है वो किसी सर्विस में है तो उसका चाइल्ड के ऊपर जो है वो कहीं कंट्रोल नहीं है, ये भी एक बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट इश्यू है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के अंदर। या मेंटल एबनॉर्मलिटी इन द मदर और फादर एटसेट्रा, के पेरेंट्स की मेंटल एबनॉर्मलिटी हो, कि जब पेरेंट्स जो है वो मेंटली एबनॉर्मल हो तो जो हरकतें वो करेंगे बच्चा भी उन्हीं को देख देख के बड़ा होगा, ठीक है, तो बच्चा भी जो है वो फिर वही हरकतें करेगा। तो मेरे ये सब कुछ बताने का मतलब ये है कि जिस तरह की फैमिली होगी बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे की ग्रोथ भी उसी तरह की होगी, जो जो फैमिली मेंबर्स काम करेंगे बच्चा भी उन्हीं को देख के काम करता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो बच्चों के सामने अगर गाली दे, ठीक है, तो बच्चा फिर कोशिश करता है कि वही गाली देता है, ये आप सब लोगों ने भी अपने घर के अंदर जो है वो सुना होगा, ठीक है, तो इस तरह की जो है वो काफी चीजें आ जाती हैं। तो सबसे जो मेन कॉजेस हैं दैट इज फैमिली इश्यूज, जो कि एक बच्चे को डेलिंक्वेंट बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सोशल रीजंस। सबसे पहला पीयर ग्रुप, कि आपके जिस ग्रुप में जिस माहौल में आप उठते बैठते हैं, ठीक है, वो माहौल कैसा है, ठीक है, वो आपने सुना होगा कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि जिस तरह की कंपनी होगी उसी तरह का जो है वो उस बंदे के लिए उसी तरह के ख्यालात भी डेवलप होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक 5-10 बंदों का ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें से अगर 8 से 9 बंदे अल्कोहल वगैरह यूज करते हैं या किसी ड्रग वगैरह का यूज करते हैं, और अगर एक नहीं करता, तो फिर वो कहते हैं ना कि एक ही मछली सारे तालाब को गंदा करती है, या फिर जो है वो बंदा जिस कंपनी के हो उसी कंपनी से जो है उसको पहचाना जाता है, तो बेशक वो कोई काम ना कर रहा हो, बेशक वो पाक साफ हो, लेकिन कोई देखने वाला ये कहेगा कि इनका एक ग्रुप बैठा हुआ था जी, उसके अंदर फलां का बच्चा मौजूद था, उसके अंदर फलां का बच्चा मौजूद था, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो इस केस के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद स्कूलिंग, स्कूलिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, कम्युनिटी है इंसान की, कम्युनिटी और सोशल इंस्टीट्यूशन। आप लोगों को बताता चलो कि सोशल इंस्टीट्यूशन में जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है सोशल इंस्टीट्यूशन, दैट इज फैमिली, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन सबसे बड़ा फैमिली इंस्टीट्यूशन। उसके बाद कुछ जनरल रीजन है जो मुल्क के अंदर जो प्रिवेल कर रहे होते हैं, पॉवर्टी है सबसे मेन इशू, के बच्चा जो है वो, अच्छा, कोई एक खानदान जो है वो बहुत ज्यादा गरीब होता है, वालिदैन के पास इतना ज्यादा, उनकी इतनी कंडीशन नहीं होती कि वो अपने बच्चे की पढ़ाई वगैरह अफोर्ड कर सके, तो फिर उसको जो है वो काम के ऊपर लगा देते हैं, जब काम के ऊपर लगाते हैं तो जब वहां से काम के ऊपर जब मालिक उसको मारता है तो फिर क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ हो जाता है, तो ये पॉवर्टी जो है वो बहुत ज्यादा इसके अंदर रोल प्ले करती है। सेम इज द केस विद इलिटरेसी, वही जब पढ़ाई नहीं होगी, जब एक बच्चे को सही और गलत की पहचान नहीं होगी, तो वो फिर जो है वो सही और गलत की पहचान नहीं कर सकेगा, और वो गलत क्राइम करने के ऊपर जो है वो जाएगा, और उस गलत को भी वो सही कहेगा। उसके बाद आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं या स्कूल जो नहीं जाते बिल्कुल भी, ठीक है, उनका भी क्रिमिनल बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है, और ऐसा ऐसा ये मैंने आपको क्राइम की टाइप्स और एक स्टेजेस मैंने बताई थी कि क्रिमिनल की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, कुछ हैबिचुअल होते हैं और कुछ प्रोफेशनल होते हैं। जब उनकी हैबिट बन जाती है, जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं, जब वो हैबिट डेवलप हो जाते हैं, फिर वो उनकी नेक्स्ट स्टेज जो है वो प्रोफेशनल क्रिमिनल की होती है, तो हैबिचुअल क्रिमिनल के बाद आ जाती है प्रोफेशनल क्रिमिनल, ठीक है। चाइल्ड लेबर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद चाइल्ड अब्यूज, सेम, बच्चों को अगर आप गालियां देंगे, मारे पीटेंगे उनको, तो फिर ऑब्वियसली उनका बिहेवियर भी इसी तरह का बनेगा। फैमिली इंस्टीट्यूशन, फैमिली का हमने डिटेल में पढ़ा, पेरेंटिंग उसको डिटेल में पढ़ा, मॉरल डेप्रेविटी इन द सोसाइटी,
सोसाइटी के अंदर मॉरली उसको डिप्राइव किया जाता है, सोसाइटी के अंदर उसको कोई मकाम नहीं हासिल होता, ठीक है। सोसाइटी जो है वो उसको बाकियों के मुकाबले के अंदर जो है वो स्टेटस नहीं देती, ठीक है। मॉरली उसको हर जगह पे डेप्रिवेशन का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह जब मॉरली डिप्राइव होता है तो वो फिर सोसाइटी से कट ऑफ हो जाता है, सोशली डिसऑर्गेनाइज हो जाता है बच्चा, ठीक है। तो जितना वो सोशली डिसऑर्गेनाइज होगा, सोसाइटी से दूर जाता जाएगा, इतना ही क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ आता जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब सोसाइटी की नॉर्म्स, सोसाइटी की वैल्यू, सोसाइटी के कल्चर को जब वो अडॉप्ट नहीं करेगा, तो फिर जो है वो क्राइम करने पे उसका जोर ज्यादा होगा। ये हम आगे पढ़ेंगे, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है ज्युवेनाइल डेलिंक्वेंसी की, उसके अंदर हम जो है वो इसको डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद स्कूलिंग, ऑब्वियसली जब एक टीचर का एक बच्चे के साथ रवैया, दो बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर का एक बच्चे के साथ रवैया जो है वो बहुत बेहतर है, दूसरे बच्चे के साथ रवैया हर वक्त उसको मारती रहती है, ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली जो बच्चे की जो मेंटल जो लेवल है वो उसको इफेक्ट होगा, और बच्चा जो है वो फिर अपने स्टेटस, बच्चा देखेगा कि मुझे दूसरों के मुकाबले में जो है वो मुझे डेप्रिवेशन का शिकार हो रहा है, मैं डेप्रिवेशन का शिकार हो रहा हूँ। तो फिर जो बच्चा है वो फिर क्राइम की तरफ या बच्चों को मारने की तरफ जो है वो भागते हैं। एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव चाइल्ड पॉलिसी, हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा जो मसला है दैट इज के पॉलिसी मेकिंग नहीं है, या अगर पॉलिसी बन भी जाए तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं है, पॉलिसी इन्फोर्समेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद स्टेट इंस्टीट्यूशंस का रोल, स्टेट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, पुलिस है, जस्टिस सिस्टम है आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके बाद जो प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो मजिस्ट्रेट्स हैं, तो ये सारे के सारे जो है स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आ जाते हैं। तो उनका रवैया कैसा है जुवेनाइल की तरफ, तो ये भी जो है वो बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थे जनाब कुछ इसके कॉजेज के, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के कॉजेज क्या क्या थे। उसके बाद स्टेटस ऑफेंडर, वन हु हैज डन समथिंग विच इज ऑर्डिनरीली नॉट कंसिडर्ड अ क्राइम एक्सेप्ट व्हेन डन बाय अ माइनर। अच्छा, एक होता है क्राइम, एक होता है स्टेटस ऑफेंडर, ठीक है। तो कोई ऐसा काम जो के क्राइम हो वो तो ऑलरेडी क्राइम है, जो के बाय लॉ क्राइम हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जिनको क्राइम नहीं कंसिडर किया जाता, वो जो है वो स्टेटस ऑफेंडर होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन डन बाय अ माइनर, ठीक है। माइनर के अलावा जो काम करे जिनको क्राइम नहीं तसव्वुर किया जाता, ठीक है, उनको स्टेटस ऑफेंडर कहा जाता है। अच्छा, अब क्रिमिनल लायबिलिटी की एज क्या है, सेक्शन 82 पाकिस्तान पिनल कोड PPC, सेक्शन 82 क्या कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, कि जब एक बच्चा जो 7 साल से कम उम्र है उसकी, 7 साल से कम, 7 years से कम, तो वो कोई भी हरकत कर सकता है, तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं होगा। ये सेक्शन 82 है PPC का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फॉर एग्जाम्पल आप जब पुलिस का टेस्ट वगैरह देने जाते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो जुडिशियल सिस्टम का कोई टेस्ट वगैरह देने जाते हैं, तो ये जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 82 PPC पाकिस्तान पिनल कोड का वो ये कहता है कि जब कोई बच्चा जिसकी 7 साल से कम है उम्र, वो अगर कोई काम करता है, कोई बिहेवियर ऐसा करता है जो कि बड़ा जब करे तो उसको क्राइम ही कंसिडर किया जाता है, तो जब छोटा करेगा जिसकी 7 साल से कम होगी, दैट इज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है, ओके। सेक्शन 83 क्या कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय अ चाइल्ड बिटवीन 7 and 12 years हु हैज नॉट अटेन्ड सफिशियंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ जज सफिशियंट सॉरी सफिशियंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज ऑफ द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन, के फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसकी एज जो है वो 7 से 12 साल, ठीक है, तो जब तक प्रॉपरली वो मेच्योर नहीं हो जाता, ठीक है, कि
किसी चीज को अंडरस्टैंड करने की प्रॉपरली मेच्योरिटी उसके अंदर नहीं आ जाती, ठीक है, तो तब तक उसको जो है वो उसकी किसी भी ऐसी हरकत को ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब आप ये बात देख लें कि 7 साल, मतलब 1 साल से 12 साल का बच्चा जो है वो ऑलमोस्ट 10, 12, 13 साल के बाद ही बच्चे के अंदर मेच्योरिटी आना शुरू होती है, तो उस साल तक जो है वो जब भी वो कोई क्राइम कमिट करेगा, बल्कि वो क्राइम नहीं होगा, वो ऑफेंस भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर 7 से 12 साल तक यदि चिखा जाए तो वो मेच्योरिटी लेवल पे आ जाता है, ठीक है, उसका मेच्योरिटी लेवल चेक किया जाता है कि उसकी जो वो नेचर को अंडरस्टैंड करने की, थिंग्स को अंडरस्टैंड करने की मेच्योरिटी उसके अंदर कितनी है। लेकिन जो बच्चा 10 से 17 साल के दरमियान है, उसको जो है वो अगर वो कोई ऐसा बिहेवियर करेगा तो दैट इज नॉट क्राइम, ठीक है, तो वो क्रिमिनल एक्ट होगा लेकिन उसको क्राइम कंसिडर नहीं किया जाएगा, और वो भी जो है वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी उसको कहा जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को डील कैसे करना है, ठीक है। तो जो एडल्ट, अच्छा, जो दो तरह के होते हैं ना, मैंने आप लोगों को बताया कि एक एडल्ट ऑफेंडर्स होते हैं जिनका 18 साल से ज्यादा उम्र होती है, कुछ जुवेनाइल, तो जो प्रोसीजर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर फॉलो किया जाता है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। दो है, एक है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एक है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एडल्ट और उससे 18 ईयर से ज्यादा जो एज के होते हैं ना, जो क्रिमिनल, उनको जो है वो वहां पे डील किया जाता है, जबकि जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है दैट इज ओनली द जस्टिस सिस्टम फॉर द जुवेनाइल्स बिटवीन द एजेस ऑफ 10 to 17, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको डील कैसे किया जाता है, बल्कि एक मिनट आप इसके जरा थोड़े से कंपोनेंट सुन ले कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसके बाद ये कंपोनेंट्स क्या क्या काम करते हैं हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान का, के सबसे पहले तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम दो क्यों है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम सेपरेटली क्यों बनाया गया। सबसे पहली मेन इसकी वजह कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन, के बच्चा जो के क्रिमिनल एक्ट कर रहा है उसकी रिहेबिलिटेशन की जाए, उसके नॉर्मल एक्ट को रिस्टोर किया जाए, ठीक है, ताकि फ्यूचर में जब एडल्टहुड में जाता है, ठीक है, तो उस वक्त वो क्राइम को कमिट ना करे। मोर एमिनेबल टू रिहेबिलिटेटिव ट्रीटमेंट, के बच्चे को रिहेबिलिटेटिव ट्रीटमेंट दी जाए, ठीक है, कोई उसको क्रिमिनल को जिस तरह डील किया जाता है, ठीक है, उस तरह उसको डील नहीं किया जाए, बल्कि उसको रिहेबिलिटेटिव जो ट्रीटमेंट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसको तैयार किया जाए। उसके बाद इन एडिक्वेट बिहेवियर एंड इमोशनल डेवलपमेंट, कि उसकी बिहेवियरल डेवलपमेंट भी होती है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट की जाती है ताकि फ्यूचर के अंदर वो कोई एक्ट ना कर सके, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है उसके अंदर तो क्राइम्स के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है, क्रिमिनल के साथ उनको मारा पीटा जाता है, फिर उनकी जो कन्फेस करते हैं उसके बाद दोबारा उनके साथ जो है वो इस तरह के हालात किए जाते हैं। नॉन डेवलपमेंट ऑफ मेच्योरिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज एंड बिहेवियर कंट्रोल, उसको इस काबिल बनाया जाए कि वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सके, अपने उसके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज पैदा कीजिए, ठीक है, और उसके अंदर मेच्योरिटी डेवलप की जाए कि जो है वो ये चीज सही है और ये गलत है, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ मेच्योरिटी टू फुली कॉम्प्रिहेंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शन। अच्छा, तो एक और बड़ी वजह के बच्चे के अंदर के मैं क्या एक्ट परफॉर्म कर रहा हूं और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसको टोटली समझने में जो है वो उसके इतना ज्यादा मेच्योर नहीं होता, ठीक है, तो इस वजह से सेपरेट सिस्टम बनाया जाता है कि उसको जो है वो ऐसे मेच्योरिटी लेवल के ऊपर उसको लाया जाए ताकि जो जो एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है उस एक्शन के जो जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज है उनको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। और इसी तरह ये इम्पल्सिविटी है और एडवर्स
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाउसिंग जुवेनाइल्स विद एडल्ट्स, के अगर आप एडल्ट्स के साथ इसको रखें तो फिर क्राइम, अगर वो क्रिमिनल नहीं भी है तो क्रिमिनल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके साथ जो ट्रीटमेंट होती है और जो उनका माइंड होता है वो सारा का सारा जो है वो इसी परसेप्शन के ऊपर आ जाता है। अब आजकल जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है वो कौन सा लॉ पास हो रहा है? करंटली जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को जो लॉ डील कर रहा है, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। इससे पहले सिस्टम ऑर्डिनेंस था 2002 का, अब 2018 के अंदर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट दोबारा पास किया गया, ठीक है, और उसके बाद जो है अब ये लॉ फॉलो हो रहा है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, ठीक है। अब जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? पुलिस है, प्रोसिक्यूटर है, जुवेनाइल कोर्ट है, प्रोबेशन ऑफिसर है, ठीक है, उसके बाद बॉस्ट्रल इंस्टीट्यूशन है। तो ये इनके काम का क्या क्या है ये हम आगे जो है वो इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। तो काइंडली उसी लिंक से जरा मैं आप लोगों को बल्कि लिंक दोबारा भेजता हूँ, तो जल्दी से उस लिंक के जरिए तो आप लोग दोबारा ज्वाइन करें ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू करें, ठीक है, ओके।